तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक रेसिपी जो होने वाली है ब्रेकफास्ट रेसिपी। आप इस रेसिपी को बच्चों के टिफ़िन बॉक्स में दे सकते हैं, शाम को हल्की फुल्की भूख में बना सकते हैं और बिल्कुल 2 से 3 बूंद में बनके हमारी तैयार होगी आज की ये टेस्टी टेस्टी रेसिपी जो बच्चों बड़ों सभी को बहुत पसंद आने वाली है। तो आज की वीडियो आपको बहुत पसंद आने वाली है और अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ में ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय किचन। तो चलिए झटपट से शुरू करते हैं आज की मज़ेदार सी रेसिपी। तो इसे बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ पर ले ली है ब्रेड की स्लाइस। मैंने यहाँ पे 4 व्हाइट ब्रेड की स्लाइस ले ली है और 1 इस तरह की कटोरी ले ली है। तो सबसे पहले हम इन्हें कट कर लेंगे। तो बहुत इजी है इसे कट करना, कटोरी को बीच में रखिए और अच्छे से प्रेस कर दीजिए। तो आज हम ये नाश्ता राउंड शेप में बनाने वाले हैं, इसीलिए मैंने इसे इस तरह कट कर लिया है। तो आपके पास कोई भी कटोरी हो, ग्लास हो, आप उससे ये कर लीजिए। तो पहले हम इसे बना के तैयार कर लेते हैं और जो हमारी ये किनारे बचेंगे कटे हुए, इन्हें आप फेंके ना, इनसे आप ब्रेड क्रम्स बना के तैयार कर लें। तो लीजिए दोस्तों, यहाँ तो ब्रेड हमने काट के तैयार कर ली हैं और सब्जियाँ देख लेते हैं। तो सब्जियों में मैंने ली है थोड़ी सी शिमला मिर्च, थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज और साथ ही लिए हैं थोड़े से कॉर्न। उसी के साथ मैंने एक प्याज को इस तरह गोल गोल काट के रख लिया है, जैसे कि हम सैलड के लिए काटते हैं, बस उसी तरह। तो चलिए इन्हें साइड में रख देते हैं और हम कर लेते हैं दूसरी तैयारी। तो यहाँ पे मैंने 1 कप भर के बेसन लिया है। सबसे पहले हम इसे छानेंगे। तो छानना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इसमें गुठली वगैरह होती हैं, तो इसे आप ज़रूर छानें। तो छानने से जो बैटर बनेगा एकदम स्मूथ और लम्स फ्री बनेगा, तो इसे आपको छानना बहुत ज़रूरी है। तो देखिए यहाँ पर सभी को मैंने छान लिया है और जो थोड़ा सा ऊपर पार्ट बचा था उसे हम फेंक देंगे। तो अब इसमें हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जैसे टेस्ट के अकॉर्डिंग नमक, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर और दोनों को अच्छे से कर लेंगे मिक्स। मिक्स करने के बाद अब हम इसमें थोड़ा थोड़ा पानी ऐड करते जाएंगे और एक इसका लम्स फ्री स्मूथ बैटर बना के तैयार कर लेंगे। तो आपको पानी एक साथ ज़्यादा नहीं डालना है क्योंकि बैटर हमारा बहुत ज़्यादा पतला नहीं होना चाहिए। और उसके साथ साथ आपको यहाँ 4 से 5 मिनट अच्छा सा टाइम दे के इसे अच्छे से फेंट लेना है। तो फेंटने के बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे थोड़ी सी चीनी। लगभग 1 छोटी चम्मच चीनी डाली है मैंने, साथ में ही डालेंगे 1 छोटी चम्मच भर के कुकिंग ऑयल और 1/2 नींबू का रस। तो बीज हटा दीजिए और नींबू का रस इसमें ऐड कर दीजिए। इन्हें डालने के बाद आप दोबारा से अच्छे से सभी को मिक्स कर दें। तो यहाँ पर बैटर मुझे थोड़ा सा थिक लग रहा है, तो यहाँ पर 1 से 2 चम्मच पानी और ऐड कर देंगे और अच्छे से दोबारा से इसे फेंट लेंगे। तो जैसे हमारे पकौड़ों का बैटर होता है या फिर जैसा हमारा ढोकले का बैटर होता है ना, सेम आपको उसी की तरह तैयार करना है। उसे ढक के रख देंगे जितने की वो फूल जाएगा और इधर हम अपनी स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने एक पैन रख लिया है, उसमें लगभग 1 से 2 चम्मच डालेंगे कुकिंग ऑयल और जैसे ही वो थोड़ा सा गर्म हो जाएगा तो सबसे पहले हम इसमें डालेंगे बारीक कटी हुई प्याज। तो प्याज डालने के बाद आप इसे 1-2 मिनट के लिए भून लें और 1-2 मिनट भूनने के बाद अब इसमें ऐड करनी है हमें शिमला मिर्च। तो आपको इसका कलर वगैरह चेंज नहीं करना है, सिर्फ 1-2 मिनट हाई फ्लेम पे भून लीजिए और उसके बाद शिमला मिर्च ऐड कर दीजिए और साथ ही आप डाल दीजिए इसमें स्वीट कॉर्न। तो यहाँ तीनों को अच्छे से आप पका लीजिए 1-2 मिनट के लिए, थोड़े से हल्के से सॉफ्ट हो जाएँ पर इनमें क्रंच भी रहना बहुत ज़रूरी है। तो साथ ही में हम डालेंगे यहाँ पे स्वाद के अनुसार थोड़ा सा नमक। नमक डाल के इसे अच्छे से मिक्स कर लें दोबारा से और उसके बाद अब हम इसमें ऐड करेंगे पिज़्ज़ा पास्ता सॉस। तो लगभग 2 छोटी चम्मच पिज़्ज़ा पास्ता सॉस मैंने इसमें ऐड कर दी है क्योंकि ये बच्चों को बहुत पसंद होती है। तो अगर आपके पास है तो आप ज़रूर डालें, वरना आप इसकी जगह सेजवान चटनी या टमाटो केचप भी डाल सकते हैं। उसके बाद हमने ऐड किया है थोड़े से चिली फ्लेक्स और थोड़े से ऑरिगैनो। अब सभी को 1-2 मिनट के लिए आप मिक्स कर लें, 1-2 मिनट के लिए आप इन्हें पका लें और उसके बाद आप गैस की फ्लेम को बंद कर दें और इन्हें पूरी तरह से ठंडा होने दें। तो गैस की फ्लेम मैंने बंद कर दी है और अब इसमें मैं थोड़ा सा पनीर ऐड कर दूँगी।
अगर आपके पास है तो आप इसे ज़रूर ऐड करें, और नहीं है तो कोई बात नहीं। तो देखिए, जब तक हमारी स्टफिंग ठंडी हो रही है तो मैंने इस तरह की चार कटोरियाँ ले ली हैं। सबसे पहले अच्छे से चारों को आप ऑयल से ग्रीस करके रख लें। तो अब चलते हैं हम आगे की तरफ। तो सबसे पहले हमने जो ब्रेड कट करके रखी थी वो इस तरह आप कटोरियों के अंदर प्रेस कर दीजिए, तो अच्छे से ये सेट हो जाती हैं, देखिए। तो उसके ऊपर हम लगाएंगे एक एक प्याज की सैलेड, जो हमने राउंड शेप में कट करके रखी थी वो आप इस तरह अरेंज कर दीजिए। और उसके ऊपर अब हमें लगानी है अपनी सब्जियों वाली स्टफिंग। तो देखिए, लगभग एक से दो चम्मच तक स्टफिंग आप इसमें भर सकते हैं इजीली। तो फ्रेंड्स, बहुत ही टेस्टी, बहुत ही यूनिक बनती है ये रेसिपी। बच्चों, बड़ों को, सभी को बहुत पसंद आती है। तो एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। तो अब इसके ऊपर हम डालेंगे अपना बेसन का बैटर। तो अब लास्ट टाइम पे हम इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिक्स करेंगे और अच्छे से दोबारा से इसे फेंट लेंगे। तो देखिए, हमारा बैटर कितनी जल्दी फूल गया है। तो बस एक चमचे की मदद से अब आप धीरे धीरे करके इसके ऊपर बैटर फैला दीजिए। तो आपको ब्रेड को, स्टफिंग को अच्छे से कवर कर देना है। कटोरी के ऊपर तक आप अच्छे से भर दीजिए, बस थोड़ा थोड़ा खाली रखिए, जिससे ये अभी बैटर फूलेगा तो बाहर ना निकले। तो देखिए, चारों तरफ से अच्छे से इसे चम्मच की मदद से आप फैला दीजिए। ब्रेड बिल्कुल भी दिखनी नहीं चाहिए, इस तरह। बस उसके बाद हमें अच्छे से इसे कर लेना है स्टीम 10 से 15 मिनट के लिए। तो देखिए, 10 से 15 मिनट हो गए हैं और ये अच्छे से स्टीम हो गया है। मैंने आपको टूथपिक लगा के भी दिखा दिया है, बैटर बिल्कुल क्लीन आया है। तो बस गैस की फ्लेम आप कर दीजिए बंद। और एक मैंने दूसरी कटोरी और ली है, इसमें हम चीज़ वाला बनाएंगे। तो बस प्रोसेस सेम वही है। सबसे पहले एक ओनियन की स्लाइस रखेंगे और उसके ऊपर डालेंगे 2 से 3 चम्मच तक भर के स्टफिंग। स्टफिंग डालने के बाद अब हम इसके ऊपर डालेंगे खूब सारा चीज़। तो ये क्यूब वाला चीज़ है जो मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था, बस उसे हमने ग्रेट कर लिया है और खूब अच्छे से स्टफिंग के ऊपर फैला दिया है। और अब इसे हम कवर कर देंगे बेसन के बैटर से, जैसे कि हमने पहले किया था। तो यहाँ पे चॉइस आपकी है, आप चाहें तो इसे चीज़ के साथ बना सकते हैं या फिर आप इसे प्लेन पनीर के साथ बना सकते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, जो हमने पहले बना के रखे थे वो काफ़ी ठंडे हो गए हैं, अब इन्हें हम डीमोल्ड कर लेते हैं। तो बहुत इजीली डीमोल्ड हो जाते हैं। आप हल्का हल्का इनके चारों तरफ चाकू लगाइए और बहुत आसानी से ये बाहर निकल आते हैं। तो देखिए, मैं आपको दिखा रही हूँ इन्हें डीमोल्ड करके, बहुत इजीली बाहर आ गया है। तो बस इसी तरह हम सभी नाश्ते को निकाल के तैयार कर लेंगे। देखिए फ्रेंड्स, कितना ज़्यादा टेम्पटिंग लग रहा है हमारा आज का ये नाश्ता। तो चलिए झटपट से दूसरी कटोरी का ब्रेकफास्ट जो हमने बना के तैयार किया है उसे भी हम निकाल लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, इसी तरह हम सभी को निकाल लेंगे। बहुत आसानी से निकल जाते हैं, बिल्कुल भी नहीं टूटते हैं और बहुत ज़्यादा सॉफ्ट बना है ये नाश्ता। तो चलिए अब इन्हें कट करके भी देख लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, देखने में कितना ज़्यादा टेस्टी लग रहा है ना, खाने में भी उससे कहीं ज़्यादा टेस्टी है। देखिए फ्रेंड्स, आप इसे हरे धनिया की चटनी के साथ या फिर सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम चीज़ वाला जो हमने बनाया था उसे भी डीमोल्ड कर लेते हैं। ये देखिए फ्रेंड्स, कितनी आसानी से ये निकल के बाहर आ गया। तो चलिए अब इसे कट भी कर लेते हैं। तो लीजिए फ्रेंड्स, वाओ, कितना ज़्यादा टेस्टी दिख रहा है हमें। और देखिए आप, अंदर से चीज़ भी मेल्ट हो गई है। तो ये नाश्ता तो बच्चों को बहुत पसंद आने वाला है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की ये रेसिपी, कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। तो फ्रेंड्स, प्लीज़ थोड़ा सा मुझे सपोर्ट कीजिए। तो आप इस रेसिपी को हरे धनिया की चटनी के साथ या फिर टमाटो केचप के साथ सर्व कर सकते हैं, या फिर टमाटो केचप और मेयोनीज़ को मिक्स करके भी आप बच्चों को इसे सर्व कर सकते हैं। तो बहुत ही टेस्टी और यूनिक रेसिपी है दोस्तों, एक बार आप इसे ज़रूर बनाएं। तो जल्दी मिलते हैं आपसे नई वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।